नमस्ते बच्चों, माय नेम इज मैंनेवानी आई एम वर्किंग इन बारदीदासनर मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल एस हिंदी टीचर चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ देखते हैं क्लास थर्ड स्टैंडर्ड बच्चों को प्राथमिक एग्जाम में से कौन सा लेसन सिखाने वाली हूँ हमारा घर मट इज द मीनिंग ऑफ हमारा घर हमारा घर का मतलब क्या होता है हमारा हमारा मीन्स आर ओके ओ यू आर हवा घर घर मीन्स हाउस एच ओ यू एस ई हाउस ठीक है आज आप लोगों को मैं हमारा घर सिखाने वाली हूं लेट्स सी हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देर इन दिस स्टोरी और नो ठीक है यह एक क्या है गद्य गद्य का मतलब होता है प्रोस ओके okay? हमारा घर सी द कैरेक्टर्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर लेट्स सी महेश महेश फ्रेंड्स महेश और विजय दोस्त दोस्त का मतलब क्या होता है वीनिंग ऑफ दोस्त मा दोस्त दोस्त मीन्स फ्रेंड एफ आर आई ई एन D friend. Okay? So here's let's see here. Mahesh and Vijay both are friends. Okay. Let's see the another character. Another character is Ashok. Who is Ashok Ma? Ashok is Mahesh friend. T. अशोक महेश का दोस्त सो इन दिस प्रोस हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई said थ्री कैरेक्टर हु आर द थ्री कैरेक्टर्स महेश विजय अशोक ओके नाउ let's सी ठीक है अभी जो है महेश विजय से मिला सो वॉट इज द मीनिंग நோ வாட் இஸ் தட் மகேஷ் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஆப் ஒன் ஹவுஸ் மகேஷ் ஜோஹே பாஸ் கடாஹ் ஓகேஷ் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் இஸ் ஹவுஸ் விஜய் இஸ் கம்மிங் அண்ட் மீட்டிங் அசோக் அப்படின்னு என்ன அடுத்தவங்க என்ன திறமை பண்றாங்க அவங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்காங்க போது என்ன ஆகுது தெரியுங்களா விஜய் அங்கே வராது நம்ம இந்த ஃபுல் ஸ்டோ ஸ்டோரியில் என்ன திரும்ப பார்க்க போகிறோங்க மகேஷோடைய வீடு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோயிங் டு சி ஜஸ்ட் கோயிங் டு சி அபவுட் மகேஷ் ஹவுஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் கூட என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஃப்ரெண்டோடைய பற்றி கேட்பீங்க சொன்னோம் ஐயோ இதுதான் உங்களோட வீடா ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து எவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்குது

सी दिज महेश न्यू हाउस नया का मतलब क्या होता है मां वॉट इज द मीनिंग ऑफ नया नया मीन्स न्यू एन ई डब्ल्यू न्यू हाउस मीन्स घर का मतलब होता है हाउस एच ओ यू एस ई हाउस

कौन कौन है तब जो है महेश क्या कहते हैं चले यहाँ पर देखते हैं महेश के घर में पिताजी पिताजी का मतलब क्या होता है पिताजी मीन्स फादर एफ ए टी एच ई -E आर फादर माताजी माताजी का मतलब होता है मदर माताजी means mother, मदर एम ओ टी एच ई आर मदर और बड़े भाई बड़े भाई का मतलब होता है एल्डर ब्रदर सो बड़े भाई का मतलब होता है एल्डर ई एल डी ई आर एल्डर ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर ठीक है अब ये बताइए तो महेश के घर में कौन कौन है पिताजी माता जी और बड़े भाई नौ विजय हास्किंग महेश वड़ेज हास्किंग महेश इन याउस

पांच का मतलब होता है एफ आई वीई फाइव कमरे कमरे मीन्स रूम्स आर ओ ओ एम एस रूम्स ठीक अभी बताओ तो इन हाउस हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन हाउस फाइव रूम्स आर देयर है कि नहीं सो माहेश के घर में कितने कमरे हैं

नीम ट्रीज देर अमृत अमृद ना गोवा प्लांट कुटी कुटी प्लांट विजय बड़ा बगीचा ठीक है यहाँ पर देखो तो बगीचा बड़ा और सुंदर सुंदर का मतलब क्या होता है सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल गार्डन का मतलब यस हिंदी में जो है बगीचा कहते हैं सो so, बगीचा का मतलब होता है गार्डन यस yes. बगीचा गार्डन जी ए आर डी ई -E एन गार्डन बड़ा बड़ा मीन्स बिग सुंदर सुंदर मीन्स ब्यूटिफुल बी ई ए

फूल का मतलब होता है फ्लावर फूल का मतलब होता है फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर ओके एंड इन महेश वन मोर थिंग इज देर वॉट इज दैट नारियल का पेड़ नारियल का पेड़ का मतलब होता है कोकोनट ट्री कोकोनट ट्री अपनी very, very yes no? so, नारियल का पेड़ जो है बहुत ही ऊंचा होता है सुनो अभी जो है आप लोग ने सीख लिया होगा कि हमारा घर क्या होता है है कि नहीं चलो नाउ आई विल टीच यू द ऑपोजिट्स इन दिस लेसन चलो बच्चों, अभी मैं जो है आप लोगों को विलोम शब्द सिखाती हूँ चलो विलोम शब्द लिखी वट इज द मीनिंग ऑफ विलोम शब्द विलोम शब्द नहीं ना दुमा Opposites. सरे ये पस्सोलंगा इंदर रेड कलर रोज़ है इंगेर के after ये सानो सो lotus के after लगे इंगा बारुंगा इन्ना मार्ग क्यों lotus का मुन्ना दिल के so before so शेषी थे इधा opposite बा the bad bad means bad का विलोम शब्द क्या है पहले प ले पहले सो बाद मीन्स आफ्टर ए एफ टी ई आर आफ्टर पहले पहले मीन्स बिफोर बी ई एफ ओ आर ई बिफोर ओके बाद कब जो है पहले पहले चलो तो वट इज दिस चलो अभी बताओ तो यहाँ पर जो है या, नया मीन्स न्यू वट इज ऑपोजिट फॉर नया नया का जो है पूरा ना पुराना, पुराना. So, नया मीन्स न्यू एन ई डब्ल्यू न्यू पुराना मीन्स ओ एल टी ओल्ड नया पुराना. यह क्या है माँसी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे उपहार है और यह जो है बड़ा सा उपहार है कि नहीं चलिए तो यह जो है छोड़ा छोटा छोटा का विलोम शब्द क्या है ब बड़ा छोटा मीन्स वोटमा छोटा मीन्स स्मॉल एस एम ए एल एल स्मॉल बड़ा मीन्स बिग बी आई जी बिग ओके नेक्स्ट वन वट इज दिस यह क्या है ऊपर ऊपर मींस अप नीचे का मतलब डाउन ऊपर रा जो है नी छे नीचे यस ऊपर मींस यू पी अपनी नीचे मींस डी ओ डब्ल्यू एन डाउन ऊपर नीचे ये देखो तो क्या है दिस इज कई कुछ कई मीन्स मोर कुछ मीन्स सम क ई कई कई का ऑपोजिट जो है कु छ कुछ कई मींस मोर एम ओ आर ई मोर कुछ कुछ मीन्स एस एम ई सम सम ठीक है ओ ओ ओ ओके प्राथमिक एग्जाम वॉट एवर क्वेश्चन विल बी आस्ट फर्स्ट वन प्रांतीय भाषा में अर्थ लिखिए वॉट इज द मीनिंग मीनिंग्स यू हैव टू राइट प्रांतीय भाषा मीन्स इन योर लैंग्वेज यू हैव टू राइट द सेकेंड क्वेश्चन विलोंग शब्द लिखिए विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट्स नाउ आई थॉट यू नो दैट दे विल आस्क इन द प्राथमिक एग्जाम आफ्टर दैट सही या गलत लिखिए सही या गलत का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स है कि नहीं महेश का घर नया है नाउ आई आस्क द क्वेश्चन whether mahesh house is new yes mahesh house is new so that is सही महेश के घर में चार कमरे हैं इन माहेशउस फोर रूम्स गलत रॉन्ग महेश का दोस्त अशोक है महेश फ्रेंड अशोक करेक्ट बगीचा छोटा और सुंदर है सो so, छोटा का मतलब होता है स्मॉल

स्टडी मेटीरियल क्वेश्चन बैंक एज वेल एज क्वेश्चन पेपर सो इफ यू क्लियर मीन्स चेक द क्वेश्चन पेपर राइटेस्ट यू विल बी वेरी वेरी क्लियर इन दिस लेसन हमारा घर आप लोगों को हमारा घर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा धन्यवाद